नमस्कार, जय जय सियाराम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा के इस पूजन महोत्सव की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको भगवान विश्वकर्मा की पूजा विधि बताने जा रहे हैं, ताकि अगर कोई पंडित जी उपलब्ध ना हो पाए, जैसे इस वर्ष महामारी इत्यादि में पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, या किसी अन्य विशेष कारण से पंडित जी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप देख करके इस माध्यम से जो है अपने घर में, अपने व्यापार क्षेत्र में और कारखाना में आप पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है तैयारी कर लेनी है। पूजा की तैयारी में शुद्ध और पवित्र सामग्री का प्रयोग करना है। हल्दी, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, जनेऊ, इसी तरह से ये जो सामग्री आप देख रहे हैं थाली में, आपको भी इसी तरह से सामग्री की व्यवस्था कर लेनी है। इसके बाद एक चौकी के ऊपर भगवान विश्वकर्मा की फोटो इत्यादि रखने के बाद जो भी आपके पास औजार इत्यादि हैं, उन औजारों को भी रख लीजिए और इस तरह से पूजा स्थान को सजा लीजिए। कलश बना लेना है, सुपारी के माध्यम से गौरी गणपति रख लेना है। पूजा की इसी तरह से दिव्यातिदिव्य आपको तैयारी कर लेना है। इसी तरह से आपको भी दिव्यातिदिव्य पूजा की तैयारी कर लेना है। अब हम देखते हैं कि पूजा कैसे करना है। पूजा में बैठने से पहले अपने माता पिता, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। इसके बाद आसन में बैठ करके हाथ जोड़ करके अपने ग्राम देवता, कुल देवता को प्रणाम करना है। कुशा के माध्यम से अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है। भगवान विष्णु का नाम लेते रहना है। विष्णु देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, ऐसा बोल करके 3 बार अपने ऊपर जल का छिड़काव करना है। फिर 3 बार आचमन करना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम ऋषिकेशाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्यः, हाथ धोने के बाद अपने हाथ में पवित्री धारण करना है। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए विष्णु देवाय नमः। अपने आप को तिलक लगा लेना है। अपने लिए अलग से तिलक की व्यवस्था कर लेना है। यही तिलक नहीं लगाना है, हम लगा के बैठे हुए हैं, आप भी तिलक लगा लीजिए। तिलक लगाने के पश्चात हाथ में चावल पुष्प लेना है और भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है। हे नारायण, इस संसार में रहने वाले जितने भी जीव चराचर प्राणी हैं, आप सबका कल्याण करें, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं, ऐसा बोल करके विश्वकर्मा जी के पास छोड़ देना है। फिर से हाथ में गंध अक्षत पुष्प लेना है और इस बार भगवान गणपति का स्मरण करना है। हे गणेश जी महाराज, हमारी इस पूजा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं, और इस तरह बोल करके यहाँ गणेश जी और गौरी माता के पास जो है पुष्प अर्पित कर देना है। अब हाथ में संकल्प लेना है। संकल्प के लिए हाथ में कुशा लेना है। कुशा के साथ साथ थोड़ा सा अक्षत लेना है, दक्षिणा लेना है और एक सुपारी लेनी है। 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए विष्णु देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः। हे भगवान विष्णु, हम आपको अपना सर्वस्व मान करके आज इस दिन में, आज के दिन का उच्चारण कीजिए। तिथि अगर आप जानते हैं तो तिथि का उच्चारण कीजिए। आप जिस स्थान पर बैठ करके भगवान का पूजन कर रहे हैं, उस स्थान का उच्चारण कीजिए। अगर आप अपने फैक्ट्री में पूजन कर रहे हैं, कारखाना में पूजन कर रहे हैं, तो उसका जो भी नाम लिया रखा है आपने, वह नाम लेना है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो घर का नाम रखा है तो घर का नाम लेना है, नहीं तो अपना नाम लेना है, अपने गोत्र का नाम लेना है। अगर आप अपने परिवार के साथ बैठकर पूजा कर रहे हैं तो परिवारजनों का भी नाम लेना है। नाम लेने के पश्चात कहना है कि आज हम अपने इस कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि प्राप्त करने के लिए विश्वकर्मा भगवान का पूजन कर रहे हैं। हमारे कारखाना में, फैक्ट्री में जितने भी यंत्र लगे हुए हैं, उन सब में भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो, उत्तरोत्तर कार्य में वृद्धि हो, अर्थ लाभ हो, मानसिक शांति प्राप्त हो,
हमारे घर में, परिवार में और व्यापार में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हो, उन सब के निवारण के लिए तथा शुभ लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु आज हम विश्वकर्मा भगवान का पूजन का संकल्प कर रहे हैं। इसके लिए हम भगवान गणपति का पूजन करेंगे, कलश देवता का पूजन करेंगे और हमारे घर में जितने भी यंत्र हैं, हमारे कारखाना में जितने भी यंत्र हैं, उन सब यंत्रों को भी गंधाक्षत पुष्प अर्पित करेंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। ऐसा संकल्प बोल करके गणेश जी के पास यह संकल्प अर्पित कर देना है। संकल्प करने के बाद दीपक का पूजन करना है। हे दीप देवता, आप हमारे कर्म के साक्षी के रूप में विद्यमान रहिए, हम आपको यह गंधाक्षत पुष्प अर्पित कर रहे हैं, ऐसा बोल करके दीप देवता को नमस्कार कर लेना है। इसके बाद घंटी में भी गंधाक्षत पुष्प छोड़ करके प्रणाम कर लेना है। दीपक और घंटी का पूजन करने के बाद हमको गणेश जी का आवाहन करना है। हमने यहाँ सुपारी रखी हुई है इसलिए हम आवाहन करेंगे, परंतु अगर आपने मूर्ति रखी हुई है अपने नित्य पूजा वाली, जिसमें आप रोज भगवान का पूजन करते हैं, उसमें आपको आवाहन की आवश्यकता नहीं होगी। अगर नई मूर्ति लाए हैं तो वहाँ आपको आवाहन करना चाहिए। यहाँ हम चावल छोड़ करके गौरी गणपति का आवाहन करेंगे। हे गणेश जी महाराज, आप सूक्ष्म रूप से हमारे इस सुपारी पर आकर विराजमान हो जाइए। हे माँ भगवती गौरी, आप भी इसी सुपारी में आसन ग्रहण कीजिए, ऐसा बोलकर चावल छोड़ देना है। आसन के लिए हमने पान पत्ता दिया हुआ है, 4 बार गणेश जी के ऊपर और 4 बार गौरी माता के ऊपर आपको जल अर्पित कर देना है। श्री गणेशाय नमः, श्री गौरीय नमः, श्री अम्बायै नमः, ऐसा बोलकर 4 बार आपको जल अर्पित कर देना है। फिर दोनों जगह गणेश जी महाराज को और गौरी मैया को पंचामृत अर्पित करना है, तो फूल में ही जो है पीछे ऐसे हम रख देंगे पंचामृत लगाकर। श्री गणेशाय नमः, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। फिर इसके बाद जो है शुद्ध जल से भगवान को फिर से स्नान कराना है। श्री गणेशाय नमः, शुद्ध जल स्नानम समर्पयामि। भगवान को स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित करना है। मौली धागा का वस्त्र बना करके अथवा रुई के माध्यम से वस्त्र बना करके गौरी गणपति को वस्त्र अर्पित करना है। इसके बाद गणेश जी महाराज को यज्ञोपवीत, जिसे जनेऊ कहते हैं, वह जनेऊ अर्पित कर देना है। श्री गणेशाय नमः, यज्ञोपवीतम उपहनयामि। यज्ञोपवीत के बाद जो है 2 चम्मच जल प्लेट में छोड़ देना है। इसके बाद भगवान गणपति को तिलक लगाना है। श्री गणेशाय नमः, चंदनम समर्पयामि। श्री गौरीय नमः, चंदनम समर्पयामि। चंदन के बाद चावल अर्पित करना है। अक्षतम समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः, श्री गौरीय नमः। गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर देनी है। ओम श्री गणेशाय नमः, दुर्वांकुरान समर्पयामि। दुर्वा अर्पित करने के बाद बिल्व पत्र अर्पित करना है। श्री गणेशाय नमः, बिल्व पत्रम समर्पयामि। गणेश जी का प्रिय जासवंती का पुष्प भी हम भगवान गणपति को अर्पित करेंगे, पुष्पम समर्पयामि। माँ भगवती गौरी को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद गणेश जी महाराज को हल्दी चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे, अबीर गुलाल सिंदूर इत्यादि चढ़ाएंगे। श्री गणेशाय नमः, सिंदूरम समर्पयामि। इसी तरह से गौरी माता को भी हल्दी कुमकुम चढ़ाएंगे। श्री गौरीय नमः, हरिद्रा कुमकुम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, श्री गौरीय नमः। अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद धूप दिखाना है। श्री गणेशाय नमः, धूपम आघ्रापयामि, धूपम निवेदयामि। इस तरह गणेश जी का नाम स्मरण करते हुए जो है आपको धूप अर्पित कर देना है। धूप के बाद जो है चावल के माध्यम से ही दीप दिखाना है। श्री गणेशाय नमः, प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद हाथ धो लीजिए। इसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के लिए जो मिष्ठान्न की व्यवस्था है, यहाँ मिष्ठान्न रख देंगे। मिष्ठान्न के पास ही एक लाल पुष्प रख देंगे। आचमनी के माध्यम से 5 बार जल घुमाना है। श्री गणेशाय नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। श्री अम्बायै नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। श्री गौर्यै नमः। नैवेद्य के बाद जो है यहाँ लौंग इलायची अर्पित कर देना है। हमने यहाँ फल की व्यवस्था की हुई है,
तो फल और तांबूल है, इसके साथ साथ दक्षिणा और सुपारी भी हम यहाँ अर्पित करेंगे। श्री गणेशाय नमः, फलम समर्पयामि, दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। हमने यहाँ भगवान को दक्षिणा भी रख दी है, सुपारी भी रख दिया है, पान का पत्ता भी रख दिया है। तो अब यहाँ जो है हाथ में चावल पुष्प लेना है और भगवान गणपति से प्रार्थना करनी है, हे गणेश जी महाराज, हमारी सूक्ष्म पूजा को स्वीकार करके जितने भी हमारे घर में, परिवार में और व्यापार में विघ्न हैं, उन सब का आप विनाश कीजिए। हे माँ भगवती गौरी, आपकी कृपा से हम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हों, ऐसा आशीर्वाद हमको प्रदान कीजिए। ऐसा बोल करके पुष्प यहाँ अर्पित कर दीजिए गणेश जी महाराज को। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। यहाँ गणेश जी का पूजन जो है सूक्ष्म रूप से संपन्न होता है। अब जो है हमें कलश का पूजन करना है। कलश का पूजन करने से पहले कलश के कंठ में हमको धागा बांध लेना है, इस तरह से। ओम श्री वरुणाय नमः। और कलश में पहले से ही स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद कलश में जो है 2 चम्मच जल छोड़ने के बाद थोड़ा सा चावल ही अंदर छोड़ देना है। ओम वरुणाय नमः, जलम समर्पयामि। वरुणाय नमः, अक्षतम समर्पयामि। वरुणाय नमः, पंचपल्लवम समर्पयामि। इसके बाद जो है आम के पत्ते कलश में रख देने हैं। आम के पत्ते रखने के बाद अंदर एक सुपारी छोड़ देना है। वरुणाय नमः, सुपारी के साथ एक सिक्का भी अंदर ही कलश के छोड़ देना है और थोड़ी सी हल्दी छोड़ देना है। ओम वरुणाय नमः। फिर कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखना है। एक कटोरी अथवा प्लेट ले लीजिए और उसमें जो है चावल भर लीजिए। चावल भरने के बाद जो है उसको कलश के ऊपर रखा जाना चाहिए, इस तरह से। नारियल है, नारियल को धागा बांध लीजिए और ये जो शिखा है नारियल की, इसको अपनी ओर करके कलश के ऊपर ऐसा रख दीजिए। कलश के ऊपर चावल छोड़ दीजिए नारियल के ऊपर। ओम वम वरुणाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि। हे वरुण देवता, हम आपका यहाँ आवाहन करते हैं, ऐसा बोल करके 4 बार कलश के ऊपर, नारियल के ऊपर जल छोड़िए। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः। स्नान कराने के बाद वरुण देवता को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद वरुण भगवान में यज्ञोपवीत आपको चढ़ाना है। यज्ञोपवीतम समर्पयामि वम वरुणाय नमः। 2 चम्मच जल प्लेट में छोड़ देना है। इसके बाद जो है नारियल में ही जो है गंध लगाना है, तिलक लगाना है। ओम वम वरुणाय नमः। तिलक के बाद अक्षत चढ़ाना है। अक्षतम समर्पयामि वम वरुणाय नमः। वरुण देवता को पुष्प अर्पित करना है। फूल चढ़ाने के बाद जो है हल्दी, कुमकुम इत्यादि जो भी आपने अबीर गुलाल की व्यवस्था की है, यह सब कुछ भी अर्पित कर देना है। ओम वम वरुणाय नमः, हरिद्राम समर्पयामि, कुमकुमम समर्पयामि, गुलालम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि, वरुण देवताभ्यो नमः। इसके बाद जो है धूप दिखाना है। ओम वरुणाय नमः, धूपम समर्पयामि, धूपम आघ्रापयामि। धूप दिखाने के बाद चावल के माध्यम से ऐसे आरती करना है। ओम भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः, अक्षतम समर्पयामि, प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि। हाथ धो लेना है। हाथ धोने के बाद वरुण देवता का नैवेद्य हम जो है भगवान विश्वकर्मा के साथ ही दिखाएंगे, इसलिए यहाँ चावल पुष्प छोड़ करके वरुण देवता को नमस्कार कर लेना है। वम वरुणाय नमः, प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम समर्पयामि। इसके बाद हमने जो यहाँ औजार रखे हुए हैं,
हथौड़ा है, स्पैनर है, स्क्रू ड्राइवर है, ये सब जो हमने रखा हुआ है इसका पूजन करना है। तो हमने तो इनको बढ़िया जल के माध्यम से पहले ही शुद्ध कर लिया है, आप लोग भी इनको जो है पानी के माध्यम से अच्छे से शुद्ध करके सूखे कपड़े से पोंछ करके, नहीं तो बाद में जंग लग जाए, तो सूखे कपड़े से पोंछ करके आपके घर में जितने भी यंत्र औजार इत्यादि हैं उन सब का आपको पूजन कर लेना है। हमारे पास ज़्यादा नहीं हैं, जो थोड़े से हैं उनको ही हमने रख लिया है और उनका ही हम यहाँ पूजन करने वाले हैं। सामने जो है विश्वकर्मा भगवान का हमने फोटो लाया हुआ है, उनका हम जो है यहाँ पुष्पहार इत्यादि चढ़ा करके पूजन करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि अक्षत लेकर के विश्वकर्मा भगवान को नमस्कार करना है। श्री विश्वकर्मणे नमः, अक्षतम समर्पयामि, ध्यायामि, पूजयामि। इसके बाद जो है शुद्ध जल का चार बार छिड़काव करना है। ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः। सभी औजारों के ऊपर, विश्वकर्मा जी के ऊपर चार बार जल का छिड़काव करने के बाद थोड़ा सा जो है पंचामृत लेना है और विश्वकर्मा जी के सामने ही यह पंचामृत औजारों के ऊपर रख देंगे। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः, पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद जो है शुद्ध जल से स्नान कराएंगे फिर से सभी औजारों को भी और विश्वकर्मा जी को भी। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः, यहाँ हम औजारों को वस्त्र पहनाएंगे। श्री विश्वकर्मणे नमः, वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के बाद औजारों में ही जो है हम यज्ञोपवीत चढ़ाएंगे। श्री विश्वकर्मणे नमः, यज्ञोपवीतम उपहनयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। दो चम्मच जल छोड़ देना है थाली में और इसके बाद सभी औजारों में चंदन लगाना है। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः, विश्वकर्मा जी को भी तिलक लगा दीजिए। फिर चावल अर्पित करना है सभी औजारों में। अक्षतम समर्पयामि, अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प अर्पित करना है और पुष्पमाला इत्यादि की अगर व्यवस्था है तो भगवान विश्वकर्मा जी की फोटो में पुष्पमाला अर्पित कर दीजिए। हमने यहाँ भगवान विश्वकर्मा को पुष्पहार अर्पित कर दिया है। इसके बाद पुष्प में ही जो है हम हल्दी, कुमकुम, सिंदूर लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ विश्वकर्मा जी को और जो औजार रखे हुए हैं उसमें हम जो है हल्दी, कुमकुम समर्पित करेंगे। हल्दी, कुमकुम के पश्चात हम जो है धूप दिखाएंगे। विश्वकर्मा जी का नाम स्मरण करते हुए धूप दिखाना है। श्री विश्वकर्मणे नमः, श्री विश्वकर्मणे नमः, धूपम समर्पयामि। इस तरह बोल करके धूप अर्पित कर देना है। धूप दिखाने के बाद जो है अक्षत के माध्यम से दीपक दिखाना है। श्री विश्वकर्मणे नमः, दीपम दर्शयामि। दीप के बाद जो है हाथ धो लेना है और नैवेद्य दिखाना है। यहाँ हमने जो है मखाना इत्यादि का नैवेद्य रखा हुआ है, ये पंचामृत का नैवेद्य रखा हुआ है, इसमें जो है हम बिल्व पत्र, तुलसी पत्र इत्यादि अर्पित करेंगे और भगवान को नैवेद्य दिखाएंगे। ये देखिए इस तरह से पांच बार जल घुमाना है। ओम विश्वकर्मणे नमः, नैवेद्यम निवेदयामि। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः, नैवेद्यम समर्पयामि। भगवान विश्वकर्मा का नाम लेते हुए पांच बार जल घुमा देना है। नैवेद्य के बाद हम जो है फल दिखाएंगे। यहाँ हमने फल रखे हुए हैं, फल के सामने ही जो है हम दक्षिणा रख देंगे और दक्षिणा के ऊपर सुपारी, इस तरह से एक एक सुपारी हम रखते जाएंगे। यहीं जो है हम लौंग, इलायची, जो भी आप लाए हुए हैं, जो भी आपने व्यवस्था बनाई है वो सब लौंग, इलायची इत्यादि भी आप अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ करके अब हम भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करेंगे। हे विश्वकर्मा जी, हमारे इस कारखाना में, हमारे इस फैक्ट्री में, हमारे घर में, परिवार में और व्यापार में कभी भी किसी भी प्रकार का यंत्र से संबंधित, वास्तु दोष से संबंधित विघ्न उत्पन्न ना हो, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। आप यह रुचिर फल ग्रहण कीजिए, दान दक्षिणा ग्रहण कीजिए, तांबूल इत्यादि ग्रहण कर लीजिए, ऐसा बोलना है आपको। इसके बाद हम जो है
विश्वकर्मा जी की आरती की तैयारी करेंगे। आप जो है एक थाली में बढ़िया आरती सजा लीजिए और उसमें जो है एक दीपक रख लीजिए। दीपक रखने के बाद कुछ कपूर रख लीजिए और दीपक को प्रज्वलित करना है। इसके साथ साथ कपूर भी प्रज्वलित करेंगे, जल के माध्यम से शांत करेंगे। और इसके बाद दो पुष्प लेकर के एक में चंदन चावल लगाना है और एक में हल्दी कुमकुम लगाना है। और दीपक का पूजन करके हम अब आरती करेंगे। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः। सूर्यो अजायत। श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत। यहाँ आप जो है बढ़िया विश्वकर्मा जी की आरती गाइए। अगर नहीं आती है तो गणेश जी महाराज की आरती गाइए और भगवान विष्णु की आरती गाइए। आरती करने के पश्चात ये जो आरती है पूरे कारखाना में, घर में, हर जगह दिखा दीजिए और इसके बाद जल से शांत कीजिए। यहाँ विश्वकर्मा भगवान को इस तरह से आरती दिखाने के बाद स्वयं भी आरती लेना है और अपने परिवारजनों को भी आरती देना है। आरती करने के पश्चात हाथ में फूल लेना है, सभी को हाथ में फूल दे देना है और भगवान विश्वकर्मा की पुष्पांजलि करनी है, उनसे क्षमा याचना करनी है। हे विश्वकर्मा भगवान, आपकी सेवा पूजा में अगर हमसे कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया अथवा पूजा की सामग्री में कहीं कोई कमी रह गई, हमारे मंत्रों में कोई कमी रह गई, तो हे विश्वकर्मा जी आप हमें अपना भोला बालक समझ कर क्षमा करें। पूजा का पूरा फल आयु आरोग्य धन धान्य सुख संपत्ति के रूप में प्रदान करें। हमारी इस पुष्पांजलि को स्वीकार करें। ऐसा बोल करके यह पुष्प जो है सभी औजारों में रख दीजिए। आपके फैक्ट्री में जितने भी यंत्र हैं, बड़े बड़ी मशीनें हैं, वहाँ भी आप जाकर के जो है गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए और इसी तरह से विश्वकर्मा भगवान को भी गंधाक्षत पुष्प अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ करके विश्वकर्मा भगवान को प्रणाम कीजिए। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। अम्बे मात की जय। कलश भगवान की जय। विश्वकर्मा भगवान की जय। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के बाद जितने भी लोग पूजा में सम्मिलित हुए हैं उन सबको भगवान विश्वकर्मा का प्रसाद दीजिए। आशा करते हैं विश्वकर्मा भगवान की यह छोटी सी पूजा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है, सुझाव है अथवा कोई शंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें अवश्य बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्यादि दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।